और अब बात करते हैं राजधानी भोपाल की एकमात्र नदी कलियासोत की। कलियासोत नदी पर हुए अतिक्रमण हटना अब बिल्कुल तय है। राज्य सरकार के पास कोई विकल्प ही नहीं बचा है, क्योंकि खुद सरकार की तरफ से अतिक्रमण हटाए जाने का शपथ पत्र एनजीटी को दिया है और शपथ पत्र देने वाले हैं नगरीय प्रशासन विभाग के प्रमुख सचिव नीरज मंडलोई। दसूत्र ने कलियासोत पर हुए अतिक्रमण को लेकर लगातार आवाज उठाई और एक सीरीज भी चलाई थी, आपको याद होगा, कलियासोत के कातिल, इस सीरीज का नाम था। हर उस एक कातिल का खुलासा किया था जिसने कलियासोत नदी को बर्बाद करने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। अब कलियासोत के अतिक्रमण टूटने वाले हैं तो वो कौन सी कॉलोनियां, बिल्डिंगें हैं जो इसकी जद में आने वाली है, और इस मामले में लोगों का क्या कहना है? सरकार ने जो शपथ पत्र दिया है उसके बाद ऐसा कौन सा विकल्प लोगों के पास बचता है, देखिए हमारी ये रिपोर्ट। ये है ममता मिहिर चंदानी, कोलार के भूमिका रेसिडेंसी में रहती हैं। जब से ममता को पता चला है कि कलियासोत नदी किनारे 33-33 मीटर के दायरे में आने वाले अतिक्रमण टूटेंगे तो उनकी रातों की नींद गायब हो चुकी है, क्योंकि भूमिका रेसिडेंसी का एक ब्लॉक टूटेगा। ममता के पति और बेटे की कोरोना काल में मौत हो चुकी है, जीविका का कोई साधन नहीं है। रूंधे हुए गले से अब ममता केवल इतना कह पा रही हैं कि उनका घर ना तोड़ा जाए। फिर आप अपना मतलब जीवन यापन कैसे चला रही हैं, जो भी है वो तो मेरे सब रिश्तेदार करते हैं मेरे लिए। अच्छा, तो ऐसे में यदि घर ये टूट गया तो फिर मतलब हालत खराब हो जाएगी, हम तो बिल्कुल बेघर हो जाएंगे। बस ये मकान न तोड़े जाए। अच्छा, मेरी बड़ी मेहरबानी होगी आप लोग भूमिका की, कुछ भी फ्लैट न तोड़े, मैं नहीं तो बेघर हो जाऊंगी। बस ये कहानी केवल ममता की नहीं बल्कि कलियासोत नदी के किनारे अतिक्रमण के दायरे में सैकड़ों परिवार, किसी की कोई गलती नहीं। जिम्मेदार एजेंसियों के अधिकारियों ने बिल्डर को परमिशन दी, जिसके आधार पर बैंक ने लोन दे दिया, मकान खरीद लिया और उनका पक्ष भी नहीं सुना। हम लोगों ने सारी परमिशन देख के फ्लैट खरीदे हैं। जिनने परमिशन दी अगर गलत है तो पहले उनसे भी तो पूछिए कि उन्होंने परमिशन क्यों दी। शासन ने खुद ही अपनी रिपोर्ट में कहा है कि जब हमने परमिशन दी बिल्डिंग बनी तब 33 मीटर के बाहर थी। जब थी तो ये तो शासन ही बताएगा ना कि उन्होंने, अगर नहीं थी, कोर्ट ये कहती है कि नहीं है, तो जिन अधिकारियों ने गलत परमिशन दी फिर पहले उन पे आपराधिक प्रकरण दर्ज करिए। और हमारे घर अगर तोड़ने की कोई कार्रवाई होती है तो हमें मुआवजा कौन देगा? तो हमारा ये कि ये जो आदेश हुआ, इस आदेश में ही टेक्निकली ये एरर हुई है, टेक्निकली ये गलती हुई है कि जो सचमुच अफेक्टेड लोग हैं उनकी तरफ से किसी को भी ना बुलाया गया ना कोई अपॉर्चुनिटी दी गई। तो दिस इज अगेंस्ट दी नेचुरल जस्टिस एज फार एज दिस डिसीजन इज कंसर्न। तो सर हम तो यही देखते हैं कि उसके बावजूद भी हम इसका, चूंकि कोर्ट का डिसीजन है उसका मान करते हैं, सम्मान करते हैं, हम ये चाहते हैं कोई एक बीच का रास्ता निकाला जाना चाहिए जिसमें एनजीटी पार्टी हो, जिसमें सरकार पार्टी हो, और बीच का रास्ता इस तरीके से निकले कि इसमें एनजीटी के भी सारे प्रावधानों का उल्लंघन ना हो, नदी भी बची रहे और हम लोगों के जो नुकसान, संभावित नुकसान है वो नुकसान भी बचा रहे। अब इसका रास्ता क्या, तो यहाँ रहने वाले लोग बिल्डर और जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ कोर्ट जाने की तैयारी कर रहे, कोई वकीलों से संपर्क कर रहा। बिल्कुल, ये हमारी जीवन भर की जो गाड़ी कमाई है उससे हमने ये रेजिडेंस खरीदा है। हम इसके लिए बिल्डर के अगेंस्ट, कॉम्पिटेंट अथॉरिटीज के अगेंस्ट आखिरी तक लड़ाई लड़ेंगे। हम सब लोगों ने इस निर्णय पे मनन किया है। हम आगामी कुछ समय में अपने संबंधित वकील से चर्चा करके और क्या संभावनाएं हैं उसको एक्सप्लोर करेंगे, माननीय न्यायालय के समक्ष जाने के प्लानिंग भी है। साथ साथ ही हम हमारे क्षेत्रीय विधायक महोदय के सहयोग से माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलने का भी विचार कर रहे हैं। दरअसल अब तक कलियासोत के अतिक्रमण को लेकर कोर्ट में जो लड़ाई चल रही थी उसमें सरकार को पक्षकार बनाया गया और सरकार की तरफ से ही पैरवी की जा रही। जब 2014 में एनजीटी ने कलियासोत नदी के अतिक्रमण को हटाने का आदेश दिया था तब नगर निगम चुनाव चल रहा, उस वक्त प्रचार करने आए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा था कि कानून बनाकर सभी को वैध कर दिया जाएगा। अवैध कॉलोनी, अवैध कॉलोनी, अरे भैया जब मिली जगह प्लाट लेके खरीद के मकान बना लिए, जब बना रहे थे तब कोई नहीं आया, जब बन गए घर बस गए तो कहते अवैध कॉलोनी है, अवैध कॉलोनी है। कोलार वालों, कानून बना के सारी अवैध कॉलोनियां वैध करने का काम किया जाएगा। अब 9 साल में ना तो कानून बना ना ही सरकार ने कोई सुधरी,
उल्टा 10 अगस्त को हुई सुनवाई के दौरान सरकार की तरफ से एनजीटी में जो शपथ पत्र दिया गया है उसने साबित कर दिया कि कलियासोत नदी के किनारे अतिक्रमण है और उन्हें दिसंबर तक तोड़ा जाएगा। 10 अक्टूबर तक अतिक्रमण की पहचान कर ली जाएगी। इस शपथ पत्र के बाद अब प्रशासन कार्रवाई के लिए बाध्य हो चुका है। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने आगे का रास्ता क्लियर कर दिया। जब ये केस कभी सुप्रीम कोर्ट या अन्य कहीं जाता है तो ये प्रमाण अपने आप दस्तावेज हमेशा रहेंगे कि खुद सरकारी अधिकारियों ने इस बात को खुद ने एडमिट किया है कि हाँ हम इसको तोड़ेंगे और ये अतिक्रमण का पार्ट है। अब इस हलफनामे के बाद कौन से अतिक्रमण टूट सकते हैं वो भी आपको बताते हैं। उत्तर अमरनाथ कॉलोनी, दामखेड़ा की झुग्गियां, दूध देर, शिरडीपुरम का हिस्सा, मंदाकिनी कॉलोनी का हिस्सा, भूमिका में मेन एंट्रेंस से लगी हुई सड़क, सोसाइटी के पीछे एक अन्य सोसाइटी की सड़क और नदी से लगा हुआ मंदिर, अल्टीमेट हाइट्स के एक मल्टी की नदी की ओर का करीब 35 से 40 फीसदी हिस्सा, सिग्नेचर 99 में नदी की ओर बना स्विमिंग पूल और गार्डन, आकृति हाईराइज में नदी की ओर बना मंदिर और गार्डन, आईबीडी कॉलोनी का एक टावर, विराशा हाइट्स के पास कालीबाड़ी मंदिर और एक मल्टी का कुछ हिस्सा, विराशा हाइट्स से लगा हुआ नदी पर बना फॉर्म हाउस, सागर प्रीमियम टावर्स के एक मल्टी का बड़ा हिस्सा, गार्डन, क्लब हाउस, स्विमिंग पूल, आमरा वैली का नदी की ओर बना हुआ गार्डन, सलैया बीडीए की नदी से लगी हुई कई मल्टियां, जेके हॉस्पिटल का बॉटनिकल गार्डन, मर्चुरी रूम सहित कई अन्य अतिक्रमण। के बाद जेके हॉस्पिटल जो है उसका अतिक्रमण जितना ज्यादा है कि ग्रीन बेल्ट भी ले गए और नदी के अंदर रिटेनिंग वॉल बना करके अतिक्रमण कर रहे हैं। उसके आगे जो है विरासा हाइट्स है, ऐसे तमाम बिल्डर्स हैं जो बहुत बड़े बिल्डर हैं भोपाल के लिए, इनसे बड़े बिल्डर नहीं, उन सभी के अतिक्रमण वहां पर पाए गए। ये जितने भी अतिक्रमण हैं उनका 10 अक्टूबर तक चिन्हांकन और सीमांकन होगा और उसके बाद दिसंबर तक अतिक्रमण हटाए जाएंगे, क्योंकि सरकार की तरफ से ही नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल यानी एनजीटी में अतिक्रमण हटाने का शपथ पत्र दिया गया। अब यहाँ रहने वाले लोगों का यही सवाल है कि उनकी क्या गलती, उनके पास रास्ता क्या। अब केवल एक ही रास्ता है कि वो कोर्ट जाकर जिम्मेदार अधिकारियों और बिल्डर के खिलाफ याचिका दायर कर मुआवजे की मांग। हालांकि मामला बेहद पेचीदा है और कानूनी रूप से उलझा हुआ।